हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो ऑफ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7 सिंपल इक्वेशन। ये दिस वीडियो इज़ एन इंट्रोडक्टिव वीडियो। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देंगे पूरे चैप्टर 4 में क्या है। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल इक्वेशन, मींस व्हाट आर इक्वेशन। आप लोगों ने स्टूडेंट्स अभी तक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, मींस एक्स प्लस 4, 2x प्लस 5, तो दीज आर ऑल इस एक्सप्रेशन। जब हम इन एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लगा के सेकेंड हैंड पर भी कोई वैल्यू पुट करते हैं लाइक दिस, देन दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। मीन्स इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से व्हेन एन एक्सप्रेशन हैज़ इक्वल साइन देन इट इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे सिंपल ही है, केवल अगर उसमें इक्वल का साइन हो देन दैट इज़ अ इक्वेशन। हम फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 6, सिंस देयर इज अ 6 सो दैट इज़ एन इक्वेशन। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 9y प्लस 6, सिंस देयर इज अ इक्वल साइन देन दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। ओके, नाउ दिस पार्ट ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड LHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। यू कैन सी अगर हम इसको रखते हैं तो ये हमारे लेफ्ट हैंड की साइड बैठता है, दैट्स दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, मीन्स RHS। सो इट इज़ वेरी इजी, इफ वी सीइंग एन इक्वल साइन इन द गिवन एक्सप्रेशन देन इट विल कन्वर्ट इन टू एन इक्वेशन। दिस कैन सिंपली से दिस इज एन इक्वेशन। नाउ इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल लाइक एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन 6, दिस इज स्टूडेंट दिस इज नॉट एन इक्वेशन, सो देर इज नो साइन ऑफ इक्वल। दिस कैन बी रीड लाइक एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6, बट दिस इज नॉट एन इक्वेशन, देर इज नो इक्वल साइन। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन। अब हम बात करेंगे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मिंग इक्वेशन। सो हाउ वी कैन फॉर्म एन इक्वेशन, सो इट इज़ वेरी इजी। ये इन क्वेश्चनर मीन्स इन बुक्स यू गॉट द क्वेश्चन इन स्टेटमेंट फॉर्म लाइक सम ऑफ 2 एंड 4 इज 6, सम ऑफ 2 एंड 4 इज 6, एंड सिंस वी आर टेकिंग इक्वेशन सो वी कैन टेक हियर वेरिएबल लाइक सम ऑफ एक्स प्लस एक्स एंड 4 इज 6, सम ऑफ एक्स एंड 4 इज 6। तो इसे हमें सिंपल इक्वेशन में फॉर्म ले करना था, सम ऑफ एक्स एंड 4 इज 6, मीन्स सम ऑफ एक्स एंड 4 इज 6, या वी कैन से इट सम ऑफ एक्स एंड 4 गिव्स 6। तो गिव्स के लिए भी इक्वल आएगा, मीन्स एक्स में 4 को ऐड करते तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 6। नाउ सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम y वी गेट 1, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम y वी गेट 1, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम y वी गेट 1। तो इस टाइप से आपको स्टेटमेंट मिलेंगे, उसे हमें इक्वेशन में फॉर्मुलेट करना है। सेम प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x इज 6, द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x इज 6, कुछ भी हो सकता है। ये टाइम्स के अकॉर्डिंग में आ जाता है, 3 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 9, 3 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 9, 2 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 7, लाइक दिस कुछ भी ऐसा आपको मिल सकता है। सेम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स डिवीज़न, या तो हम डिवीज़न के लिए मिल सकता है, या हमें से मिल सकता है 1/2 ऑफ 6, ये वी कैन से 1/2 ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू x। तो ये स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगे, आपको सिंपली उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे जब हम एक्सरसाइज पर पहुँचेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पुटिंग वैल्यू। पुटिंग वैल्यू इज़ नथिंग, इन दिस क्वेश्चन आपको LHS गिवन होगा, RHS गिवन होगा, और जो भी वेरिएबल है उसमें, वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड, वो कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू के अलग कोई वैल्यू है वो वेरिएबल हो जाएगी। एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी हम क्वेश्चन में लेते हैं दीज आर वेरिएबल।
तो एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू टेन ही हमें एक एग्जाम्पल हमने लिया है, दे इज एक्स प्लस फोर इज एल एच एस एंड टेन इज आर एच एस, और एक्स की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू आपको टू गिवन है, तो पुटिंग द वैल्यू में हम एल एच एस लेंगे, दिस इज एक्स प्लस फोर और इसमें हम टेन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स इज टू प्लस फोर इक्वल्स टू सिक्स, और यू कैन से एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, आर एच एस इज टेन एंड एल एच एस इज सिक्स, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, तो वी कैन से एक्स इक्वल टू टू इज नॉट अ सॉल्यूशन, इस टाइप से स्टेटमेंट लिख देंगे, अगर ये इक्वल आ जाते तो सॉल्यूशन होता और नहीं आते तो सॉल्यूशन नहीं होता। नाउ अनदर इज हिट एंड ट्रायल रूल मेथड आता है, इसमें बहुत इजी होता है, इस हिट एंड ट्रायल में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं होती है, इन दिस मैथड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट गिवन बाय द क्वेश्चनियर, सो इन दिस वी टेक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय आर सेल्फ एंड compare the LHS and RHS and we can say we have to equate the RHS and LHS means हमें variable की value given नहीं है तो हमें variable की value अपनी तरफ से लेनी है और LHS को RHS को equal लेकर आना है, और since क्योंकि हमें P की value या variable की value given नहीं होती है तो we have to try so many times then we got the exact answer, that's why this is called hit and trial method. So in this examples we supposedly we can p equals to 2. Now we can take ourselves. हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेंगे. If I am taking p equals to 2, तो then ये क्या हो जाएगा? 5 into 2 plus 2, तो 5 to the 10 plus 2, this is 12, not equals to 17. So we have to take another value. Then अगर उससे 17 आ जाता है तो it is fine. अगर नहीं आता है तो हमें फिर से ट्राई रूल लेने, तो हमें ये जब तक ट्राई करते रहना जब तक हमारे पास 17 या हमारे पास एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं आ जाता. तो दिस इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल मैटर. नाउ सॉल्विंग एन इक्वेशन, सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स जो भी वेरिएबल आपको दे रखा है इक्वेशन में उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. वेरिएबल कैन बी एक्स वाई जेड ए बी सी डी डब्ल्यू टी, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. सो इन दिस There are two methods of solving equation. Number first is systematic method, then transposing method. In your exercise, systematic method is using. So now I am explaining both method. I will explain both method. First we talk about systematic method. It is very easy. When we have to find out any variable value, तो हम सबसे पहले consider करते जो भी variable के साथ कोई extra value हो. यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी पड़ेगी. x के साथ 6 एक्स्ट्रा है तो हमें यहाँ से 6 हटाना है. कैसे हटाएंगे? अगर मैं यहाँ से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, यू कैन इजीली सी 6 प्लस 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से मैं 6 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो यहाँ से x 6 हट जाएगा. अब एक मेथड होता है, जो भी ऑपरेशन हम एल एच एस में लगाएंगे वही ऑपरेशन हमें आर एच एस में भी लगाना पड़ेगा. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम हियर. सिंस वी आर सब्ट्रैक्टिंग हियर सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो. सो दिस विल कन्वर्ट, 6 से 6 कैंसिल आउट, 0 बचेगा. तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4. नाउ ट्रांसपोजिंग मैथड, ट्रांसपोजिंग मैथड भी बहुत ईजी है. x प्लस 6 इक्वल्स टू 10. अब x के साथ एक्स्ट्रा क्या है? 6. तो हम 6 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे ट्रांसपोजिंग में. सिंस 6 यहाँ पॉजिटिव का है तो दूसरी साइड जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस का. तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? x इक्वल्स टू 10 माइनस 6. तो इट विल x इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4. दोनों मेथड से x की वैल्यू सेम आएगी. वी कैन अप्लाई स्टैंडर्डली, कोई सा भी मेथड कर सकते हैं, बट आपकी बुक में सिस्टमेटिक मेथड से सॉल्व होगा, एनसीईआरटी में. दैट्स वाई वी आर सॉल्व इट, वी आर सॉल्व एक्सरसाइज विद द सिस्टमेटिक मेथड. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का. इसमें बहुत ईजी होता है, यहाँ वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन होती है. केवल वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, उसके बिहाव पर हमें एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी होगी. इसका आंसर सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है सिंस यहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है. अगर कोई रूल बुक में आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है तो आंसर सेम होगा. अदरवाइज कोई किसी का आंसर कैसा भी हो सकता है, मिस मल्टीपल आंसर हमें एक क्वेश्चन के मिल सकते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पार्ट यू कैन से x इक्वल्स टू 2 गिवन है हमें वैल्यू,
इसे हमें इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दी है। तो जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई LHS में करी है तो मुझे RHS में भी करनी पड़ेगी इसी। सो हियर 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10x एंड 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, 10x इक्वल्स टू 20। और जो भी हमने ऑपरेशन लगाया है वो हमने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। नाउ दिस इज एन इक्वेशन, इसे हम यहाँ छोड़ सकते हैं। बट मैंने इसमें फर्दर भी एक ऑपरेशन लगा दिया, आई एम एडिंग 7 बोथ साइड। सो 10x प्लस 7, सिंस 7 ऐड करा है तो ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27। तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इसमें आप और भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने 10 मल्टीप्लाई करा है, यहाँ ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट यू, जो भी आप चाहें उसमें कर सकते हैं। बट जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको आप यहाँ कमेंट में डाल देंगे। तो दिस इज ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 4। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। थैंक यू।